हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने मनी यंत्र लॉन्च किया तो बहुत ऐसी रिक्वेस्ट आई कि इसके बारे में, सिर्फ इसके बारे में डिटेल में आप बताओ। तो आज का रिकॉर्डिंग इसलिए किया है कि बाय पब्लिक डिमांड के मनी यंत्र के डिटेल्स आपको समझाया जाए। तो ये मनी यंत्र क्या है? एक्चुअली आपको सबको पता होगा, अभी लॉकडाउन हुआ है और लॉकडाउन में तो सीधा सीधा सब ठप हो गया बिजनेस, और लोगों के पॉकेट एम्प्टी होने लग गए हैं, और जिनके छोटे थे उनके तो एकदम ही हालत खराब हुई है। लेकिन लॉकडाउन के पहले भी आप अगर देखो तो 8-10 महीने पहले से ही आपको इकोनॉमी स्लोइंग डाउन दिख रही थी। तो हमारे पास वास्तु की वजह से, क्योंकि वास्तु कंसल्टिंग करते हैं हम लोग, तो उसके वजह से हमको पता चल रहा था कि एवरीबॉडी इज वरीड अबाउट द मनी सिचुएशन। तो मेरे दिमाग में एक 10-12 महीने पहले ये आइडिया आई थी कि एक मनी यंत्र बनाया जाए, कि उसको यूज करने का भी सिंपल हो और रिजल्ट्स 100% स्पेसिफिक डिसाइडेड रिजल्ट्स आने चाहिए। तो इसे टूल के बारे में हम लोग सोच रहे थे, एक 2-4 डिजाइन मैंने बनाई, और हमारे पास ऐसा सिस्टम है कि हम यंत्र बनने के बाद ऑब्जर्वर्स के पास भेज देते हैं। तो एक 50 पीस मैंने, 50 एक पीस हमने इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट किए, जो हमारे लिए काम करते हैं, साथ में कंसल्टेंट बोल के भी काम करते हैं, लेकिन वो डेटा शीट पर बराबर अपना डेटा डालेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आया, कितने दिनों में आया वगैरह वगैरह, यानी इट इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च में ये पता चला, लॉकडाउन के पहले भी वी वर ट्राइंग टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट, लेकिन आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। रिसर्च से ये पता चला था कि रिजल्ट आते हैं, पैसे में बूस्ट दिखता है, जहां पर उम्मीद नहीं थी वहां पर थोड़े पैसे आए, लेकिन अभी समझो कि कोई 20 लाख रुपया मांग रहा है, उसका गोल 20 लाख रुपए, तो आएंगे 2 लाख, वो भी टूटे टूटे आएंगे, या 4 लाख आएंगे तो उसमें 2 लाख कर्जा ही होगा और 2 लाख अपने पैसे आएंगे, और वो भी टूट टूट के आएंगे। यानी जो चाहिए विद इन अ सर्टेन गिवन टाइम डेफिनेट, वो नहीं हो रहा था। और थ्रू आउट हमने, यानी 50-60 पीसेस के ऊपर जो ऑब्जर्व कर रहे थे उनके पास, हमने खुद भी हमारे ऑफिस में ट्राई किया और हमको लगा कि रिजल्ट्स कंसिस्टेंट भी नहीं है, रिपीटेबल भी नहीं है, रिलायबल भी नहीं है। तो शुड बी लॉन्च्ड और शुड बी नॉट लॉन्च्ड, क्योंकि रिजल्ट्स अगर नहीं आ रहे हैं जैसे मेरे को चाहिए, दे वर हैप्पी इन द सेंस के 2 लाख रुपए तो आ गए, लेकिन आई वॉज नॉट हैप्पी क्योंकि हम लोगों ने मांगे थे 5 लाख और आए 2 लाख, तो दैट इज नॉट समथिंग दैट इज मेजरेबल, और इट डजंट सॉर्ट ऑफ यू नो, उस लेवल तक नहीं रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो मैं बहुत दिमाग खपा रहा था कि क्या होगा, लेकिन फिर भी हमने कमर्शियल लॉन्च नहीं किया उसका। फिर क्या हुआ कि लॉकडाउन चालू हो गया और तभी तो पैसे की तंगी बहुत होने लग गई, तो लोग वैसे हाफ डन पिरामिड भी मांग रहे थे, लेकिन आई वॉज नॉट रेडी टू पुट इट इन द मार्केट। फिर हम लोगों को, यानी मैं यहां पर क्या बहुत सारी चीजें करता हूं, लेकिन चक्रा हीलिंग एंड एफर्मेशंस एंड थोड़ा सा हिप्नोसिस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह, ये सब चीजें मैं सिखाता हूँ, टैरो वगैरह। तो मेरे को सडनली लॉकडाउन के बाद स्ट्राइक हुआ कि एफर्मेशन ट्राई करते हैं, यानी हमारे पास एक फिजिकल टूल है और नॉन फिजिकल, लाइक यू नो इनटैंजिबल, एक और एक टेक्निक वापरेंगे। तो मैंने इस पिरामिड के साथ एफर्मेशन को कंबाइन किया और फिर वैसे एफर्मेशन यहां पर रिकॉर्ड करे और लोगों को भेजे, बोले सुनो ये, और पिरामिड के साथ ये सुनो, वी हैड डिसाइडेड ऑन मॉडर्निटी के कैसे यूज करना चाहिए वगैरह, तो वो सब एक्सप्लेन किया मैंने। एंड देन द रिजल्ट्स, लॉकडाउन पीरियड चालू हो गया था, बिजनेस सब बंद हुए थे, और सब मेरे जो 50-60 लोग थे, हमने खुद भी हमारे ऑफिस में देखा है कि एवरीबडी स्टार्टेड सीइंग अ मेजरेबल रिजल्ट्स, हर टाइम मेजरेबल रिजल्ट्स इन द गिवन टाइम, दैट इज व्हाट आई वांटेड। तो नाउ वी आर प्रिटी श्योर के द एफर्मेशंस कंबाइंड विद दिस पिरामिड यंत्र, दिस मनी यंत्र एक्चुअली वर्क। तो फिर उसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी किया और अभी ये कमर्शियल लॉन्च किया। तो ये मनी यंत्र है क्या? उसमें हम लोग अपना जो ऑरिजिनल था पिरामिड्स वापर रहे हैं, फिर एक एनर्जी मल्टीप्लायर वापर रहे हैं, फिर फार्मा सिंबल वापर रहे हैं, ऐसे 3 डिफरेंट चीजों का ये कॉम्बिनेशन करके बनाया हुआ है। उस
टूल के नीचे एक फार्मा सिंबल बनाया हुआ है, वहां पर आपको फोटो लगाना है और ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन अलोंग विद अफर्मेशंस, ये जब आप वापरोगे तो आपको मेजरेबल रिजल्ट्स इन मेजरेबल टाइम दिखेंगे। और ये अभी इतने लोगों को रिजल्ट्स आए हैं, लाइक हमारा पहला जब ये लॉन्च किया था हमने, पहला वेबिनार जब किया था तो उस दिन 30 पिरामिड्स की रिक्वेस्ट आई थी। हम लोगों ने बाद में थोड़ा कोरियर का भी प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन फाइनली वी सेंट इट। जाने के बाद लोगों को पांच पांच दिन हफ्ते हफ्ते भर में रिजल्ट्स आने लग गए हैं। तो इट इज वर्किंग एंड आई हैव प्रूव्ड इट टू माई सेल्फ ऑल्सो, यानी हमको भी इधर जो मेजरेबल रिजल्ट्स चाहिए थे वो हमने रिजल्ट्स लिए हैं, तभी ये कमर्शियल लॉन्च हुआ है। तो ये हुआ पिरामिड के स्ट्रक्चर के बारे में, बट उसको वापरने का पैसा। तो आपका नाम और आपका डेटा ऑफ बर्थ आपको मेरे को भेजना पड़ेगा। ये कस्टमाइज टूल है, एक आदमी के लिए डिजाइन होगा, उसकी वाइफ वो वापर नहीं सकती है, उसके बेटे नहीं वापर सकते, ये आपके नाम से होगा तो आप ही वापर सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि मेरे को अभी तक तीन बार ऐसे हुआ है कि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, नाम तो बता सकते हैं तो हम लोग ये पिरामिड वापर सकते हैं कि नहीं। इसके लिए ही नीचे जो फार्मा सिंबल दिया गया है उसके अंदर आपका फोटो लगाने की अरेंजमेंट करी हुई है। तो अगर समझो आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो भी ये बनाया जा सकता है और आप वापर सकते हो और आपको रिजल्ट्स आएंगे, आप अगर नीचे फोटोग्राफ लगा सकते हो अपना, छोटा एक कलर फोटोग्राफ, छोटा सा फोटोग्राफ लगा दीजिए, इतनी स्पेस है उसके अंदर तो वो लगा दीजिए और फिर उसको यूज कीजिए। तो अभी कस्टमाइज तो है, ये हो गई बात। अब अगली बात, हाउ टू यूज इट। तो ये पिरामिड ऐसा है कि इसको सेफ जगह पे पहले रखो, प्रोग्राम फॉर मनी है लेकिन इसको सेफ जगह पर रखो, आइडियली आपके मंदिर में रखो। और मंदिर में अगर जगह नहीं है, आपका मंदिर छोटा है तो आपका जहां पर कैश बॉक्स है या जहां पर आप कैश बॉक्स रखते हो, तिजोरी वगैरह जो कुछ होगी, या आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स या एस्टेट के पेपर्स या आप अपने म्यूचुअल फंड चेक बुक्स वगैरह वगैरह, वो सब जो फाइनेंस के साथ जो क्या बोलते हैं ना डॉक्यूमेंट्स है वो जहां पर रखते हो, यानी मनी एरिया जो आपके घर का है वहां पर इसको सेफ रखो। वापरने का कैसा, उसके मेंटेनेंस के बारे में बात होगी। अभी वापरने का कैसा, वापरने का ऐसा है कि सुबह को नहा धो के, सुचिरभूत बोलते हैं मराठी में, नहा धो के आपको बैठना है। कैसे बैठना है, आपका मुंह नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, यानी नॉर्थ को उत्तर दिशा में, आपका दिशा में आपका मुंह होना चाहिए, आपका चेहरा उत्तर को देखना चाहिए। फिर आप बैठो, आराम से चेयर पर बैठो, पैर क्रॉस मत करना, वो सब अपने पुराने इंस्ट्रक्शंस चालू है। तो पैर सेपरेट रखना, उत्तर दिशा में देखना, सामने यंत्र को रखना, दोनों हाथ ऐसे रख देना यंत्र के ऊपर, और आपकी जो विश है वो आप बोलो। और अफर्मेशन, हम लोग आपको व्हाट्सएप पर अफर्मेशन भेजेंगे, उसके अंदर 21 टाइम्स रिकॉर्डेड है, 2 मिनट की होगी रिकॉर्डिंग, वो 2 मिनट की रिकॉर्डिंग आपने हेडफोन्स लगाकर व्हाट्सएप चालू कर आप वो सुन लीजिए, 21 टाइम्स अफर्मेशन होंगे, इतना ही करना है आपको। वो एक बार आपका 21 टाइम्स रिकॉर्डिंग सुनकर हो गया, हेडफोन निकालो, फोन बाजू में रखो, ये टूल को पहले उठाकर, यंत्र को, मनी यंत्र को पहले उठाकर सेम जगह पर रखो, किसी दूसरे के हाथ में नहीं लगना चाहिए, एनर्जी में इंटरफेरेंस हो जाएगा, आप दूसरे के हाथ में उसको देना मत, बच्चों के साथ खेलने के लिए छोड़ मत देना, बच्चे लोग खेलने लगेंगे सामने पड़ा रहेगा तो, ये मत करना। इट हैज टू बी केप्ट सेफली, तो आइदर मंदिर में कहीं पर जगह हो तो वहां पर रख दो या आप अपने कैशबॉक्स में रखो, बट सी दैट इट इज प्रोटेक्टेड टू थ्रू आउट द डे, दूसरे दिन सुबह को उसको निकालना है। अब ये आपने सुबह में कर लिया, नहा दोगे, 2 मिनट लगते हैं, 2.5 मिनट लगेंगे आपको सेट होकर करने के लिए। फिर दोपहर में कभी भी आपको ऑफिस में लंच टाइम में वगैरह टाइम मिल गया तो चेयर अपने ऐसे मूव करके नॉर्थ की तरफ चेहरा कर लेना और वो मोबाइल निकालकर व्हाट्सएप से डायरेक्ट ईयरफोन से आप सुन लेना। 2 मिनट शांति से बैठना होगा, खाना बिना खा के दोस्तों से बात होगी, काम चालू कर रहे हो तो ये कान में लगाकर 2 मिनट सुनना, दैट इज इट, और कुछ नहीं। शाम को घर आए, घर पर आने के बाद जरा एक अनडिस्टर्ब स्पेस क्रिएट करना खुद के लिए, नॉर्थ की तरफ वापस देखना और ये रिकॉर्डिंग हमारी जो है, एफर्मेशन जो है वो सुनना। दोपहर में और शाम में आपने वो
मनी यंत्र कबर से बाहर नहीं निकाला, या कहीं ट्रेजर बॉक्स आपका जो होगा कैश बॉक्स वहां से निकाला नहीं है। दिन में एक बार उसका क्या बोलते हैं ना, उसके दर्शन कर लेना है उस यंत्र के, बाकी दिन में दो बार आप उसको यंत्र को छेड़ेंगे नहीं, उसको वापरेंगे नहीं। ये इतना करोगे तो आपको मेजरेबल टाइम में यानी लगभग एक महीने में अच्छे रिजल्ट दिखने लगेंगे। लेकिन ऐसा है कि मेरा एवरी टाइम यही रहता है कि अपने को फास्टर रिजल्ट चाहिए, तो तीन बार कर रहे हो उसकी जगह पर आप पांच बार करो, दस बार करो, बीस बार करो, पच्चीस बार करो। जितना ज्यादा करोगे, दो दो मिनट लगते हर बार, शांति से बैठने का है, डिस्टर्ब नहीं होने का है, अपना मोबाइल से ही सुनने का है, उतना रेगुलरली करते रहो, आपको रिजल्ट्स फास्टर आएंगे। ओके, थैंक यू।